नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। भाजपा रैली में दिखी अपार भीड़, बाइक रैली निकाल कर किया शक्ति प्रदर्शन, जिला अध्यक्ष सहित बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। ममता तिवारी हैं लालगंज से अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी। रैली के बाद समर्थकों में दिखा जोश, समर्थकों ने जोश और रैली की भीड़ देखकर जीत से आश्वस्त हैं प्रत्याशी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के ही राज में विकास की धारा बहेगी, जनता ने मन बना लिया है, इस बार हमारे यहाँ से परिवारवाद और गुलामी खत्म करना है। जब तक हम एकजुट और संगठित नहीं होंगे, बदलाव नहीं होगा। मौका दें, ट्रिपल इंजन की सरकार, विकास की धारा बहेगी। प्रत्याशी ममता तिवारी, भाजपा। जिस तरह से आपने देखा, एक विशाल जनसभा, विशाल बाइक रैली करके भाजपा ने समर्थन मांगा है यहाँ की जनता से, उसका कितना असर पड़ रहा है। यहाँ के समर्थक कुछ हमारे साथ में खड़े हैं, इनसे जानना चाहूंगा कि जो ये आज बाइक रैली हुई थी, इसका असर पड़ रहा है जनता के ऊपर? इसका असर ऐसा पड़ रहा है कि 13 तारीख को पता चलेगा पूरी जनता को। 13 तारीख को हम बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, जिसमें जमानत व्यक्त होना हो जाए इसकी। लेकिन यहाँ तो विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ कमीशन खोरी हुई, बजट लेकर के आधे बंटवारे हुए हैं, और उसके बाद 20% कमीशन, 25% कमीशन, ठेकेदार ने भी कमीशन लिया, कोई विकास नहीं हुआ। विकास हम लोग करेंगे, विकास करना हम जानते हैं कैसे विकास होता है। तो जनता के बीच में हम जाने पर ये मिलता है कि भैया जो जैसे है वैसे चलने दें। जनता के बीच में आप गए नहीं होंगे, जनता के बीच में आप जाइए तो पता चलेगा। जनता हाथों पे लेके हमको खड़ी है कि भैया आप आ गए, बहुत समझिए कि 13 तारीख को आपको पता चलेगा। ऐसे ही जनता में हम जितने पहले से ज्यादा जितने आज जो स्थिति हुई हमारी रैली हुई है, इससे ज्यादा जनता से हमको विश्वास है कि सारे विरोधी जमात जब्त होने जा रही, कोई भी हमारे सामने है नहीं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि बजट हम देते हैं, हमने जो किया है कोई बजट दूसरा देता नहीं है। कांग्रेस का एक विधायक हो जाए तो क्या जो आप कह रहे हैं इस बात से सहमत है यहाँ की जनता, इस बार प्रचंड बहुमत दे रही है? बिल्कुल, पूरी जनता बिल्कुल तत्परता के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी लालगंज नगर पंचायत की जीत रही है। क्या कारण है कि जनता इस बार आ रही है? और पहली चीज तो अभी रैली में हम लोगों ने देखा कि सड़कें जिस तरह से रामपुर की हम बात करते हैं कि रामपुर की सड़कें बहुत अच्छी है, कि लालगंज की सड़कें इतनी खराब है कि लगता है कि नगर पंचायत नहीं, हम किसी गांव मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो यहां पर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। इस बार विकास के नाम पर लोग मतदान करेंगे और योगी मोदी जैसा विकास के नाम पर मतदान होगा या कुछ और कारण? जो भी पक्षी कहते हैं कि यहाँ पे विकास किया हुआ है, शायद उनको दिखाई नहीं पड़ता, अगर देखना हो तो वो आ जाए हमारी आंखों से देखे, हम दिखाते हैं कि विकास कहाँ हुआ है। यहाँ तो सरकारी नहीं है, नहीं, नगर पंचायत का विनाश हुआ है 5 सालों में, कुछ किया ही नहीं है। जो कहते हैं ना कि हमने विकास के हम दिखाते हैं, इस बार इनको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की, विधायक क्या करेंगे? चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के प्रत्याशी से। अपार जन समर्थन आपको मिला, आज बाइक रैली में काफी भीड़ दिखी, इस पे क्या कहेंगे आप? इससे ये सबसे पहले बात तो इस लालगंज नगर पंचायत की जनता का हम बहुत बहुत आभार जताते हैं, जो हमारे साथ पूरा नगर पंचायत का पूरा समूह निकला है। अरे नगर पंचायत की जीत है, उनकी जीत है, यहाँ पब्लिक एकदम, नगर पंचायत की सारी जनता यहाँ उठ चुकी है इनसे छुटकारा पाने के लिए। आज भाजपा के साथ पूरा जनसमूह उमड़ा हुआ है। तो भाजपा के साथ आप जनसमूह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मौके पर जाते हैं तो कुछ जनता ये भी कहती है कि नहीं विकास तो हुआ है, विकास के साथ जा रहे हैं। भाई उनके कुछ ठेकेदार टहलते रहते हैं, अपना मैनेज करते रहते हैं, इसलिए हो सकता है कह देते हो। कमीशन थोड़ी के अलावा यहाँ कुछ नहीं हुआ, कमीशन थोड़ी हुई और कुछ नहीं हुआ। तो इस बार आश्वस्त है कि जनता आपके साथ है? जी, पूरी नगर पंचायत की जनता भाजपा के साथ है और कांग्रेसियों की जमानत जब होगी, हो सकता है दूसरे नंबर पे दूसरा प्रत्याशी। आसाम से जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा, तो क्या लगता है जनता गड़बड़? जनता एकदम खुश है, जनता बदलाव चाहती है, जनता का समर्थन मिल रहा है। इसको आप खुद देख रहे हैं जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है। जनता को धन्यवाद देते हैं हम लोग की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। पूरी रैली के दौरान हमने एक चीज देखा है कि आपने जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अपील की है, तो जनता का बहुमत आपके साथ है, आश्वस्त है आप? बहुत बहुत हाँ है, हम बिल्कुल खुश हैं, खुश है। तो मुझे ये बताइए, आप महिला हैं, महिलाओं के बीच में गई होंगी, तो किन किन वर्गों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? हर वर्ग का, मुझे हर वर्ग का, हर एक वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है जी। ऐसे भी लोग मिल रहे होंगे जिन्होंने कहा कि विकास हो रहा है, मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसे कोई नहीं मिला, मुझे तो मिल रहे थे। अरे अब आपको मिले तो ठीक है, मुझसे तो कोई नहीं कहा। तो इस बार जो जनता है उसने तय कर दिया, कही कि हम लोग परेशान हो चुके हैं, दीदी जी अब की बार आप आए सरकार में,
समर्थन में आप लोग साथ मिलते तो क्या लगा महिलाओं का वोट इनकी तरफ है? जी बिल्कुल। किस वजह से? विकास की वजह से, और जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। देखिए झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ विकास नहीं करना है वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत सड़कें बनवा दी है। इस मुद्दे पे हमारे जो है क्या कहते हैं, हम लोग, हमें सब जनता से महिलाएं घर भी चलाती हैं, देश भी चला रही हैं, और आपके अभी यहाँ के प्रमुख वोटर भी बन गई हैं, क्या लगता है महिलाएं कहाँ जा रही हैं? महिलाएं काफी आगे जा रही हैं, और इससे भी आगे जाने की कोशिश अगर करें तो सब कुछ, और ये हो गए महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। और हम तो भाभी के साथ हर वक्त थे, हमें सिर्फ महिलाओं का सपोर्ट मिला है, और इतना सपोर्ट मिला है कि जो हम सोच के भी नहीं निकले थे उससे ज्यादा। हम अन्य पार्टियों का भी प्रभाव होगा, वो भी अपना, हमारी अन्य पार्टियों से कोई नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से है, विकास से, हम विकास कर, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से है। जहाँ भी भ्रष्टाचारी होंगे वहाँ हम सदा होंगे। यानी महिलाएं भी बोल रही हैं आपकी तरह? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, महिलाएं अगर तय कर लेंगी तो कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ के संयोजक जी हैं, इनसे बात करेंगे। कई क्षेत्रों में आपका भ्रमण रहा है, लालगंज में आप लगातार कदम से कदम इनके साथ में खड़े हैं, तो क्या लग रहा है लालगंज में क्या स्थिति? लालगंज में इस बार 100% कमल खिलेगा, और भ्रष्टाचार और लूट घसोट दलाली यहाँ से समाप्त होगी। ये प्रचार के दौरान आपको देखने को मिला है कि आप अंदाजे बता रहे हैं? नहीं, ये प्रचार के दौरान देखने को मिला है। और तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।